हेलो दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है कि स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ हम इंडस्ट्री में क्यों करते हैं और जो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर होती है उसका यूज़ करने के पीछे हमारा क्या टारगेट होता है। तो बेसिकली 90 से 95% तक जो मोटर हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वह स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं, बट कुछ प्रिंसिपल और कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनको हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसा कि उदाहरण के लिए हमारी जो IoT क्रेन होती हैं उसमें हम हैवी लोड को उठाने के लिए उसमें स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। तो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में बेसिकली ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड हो जाता है। देखा जाए तो जो हमारी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो रोटर का रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, जबकि स्लिपिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें हमारे रोटर में वाइंडिंग की जाती है और रोटर की वाइंडिंग में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का यूज़ करके हम उसके रोटर करंट को रिड्यूस करते हैं। जब हम रोटर करंट को रिड्यूस कर देते हैं तो उसकी वजह से हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। तो मैंने एक ड्राइंग के माध्यम से आपको इसके रोटर सर्किट में किस तरह से रेजिस्टेंस हम स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से हमें मोटर से हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है। तो एक ड्राइंग के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम किसी भी स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को स्टेप बाय स्टेप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा के उसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे जो आपको ड्राइंग में दिख रहा है यह स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का पावर डायग्राम है। पावर डायग्राम में आपको 3-phase सप्लाई RYB जो कि फ्यूज़ के माध्यम से होते हुए एक कॉन्टैक्टर के इनपुट में जाके कनेक्ट हो गई है और जो कॉन्टैक्टर का जो हमें आउटपुट मिल रहा है वह हम स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के स्टार्टर साइड में कनेक्ट कर देंगे। जब भी हम स्टार्ट की कमांड देंगे तो 3-phase सप्लाई हमारे स्टार्टर से मिल जाएगी और फर्स्ट में जब रोटर में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तब हमारी मोटर बिल्कुल कम RPM पर घूमेगी और हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क देगी। जैसे जैसे हमारे स्टेप बाय स्टेप हम रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे और जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को मोटर साइड से कट ऑफ करेंगे वैसे वैसे हमारे मोटर का RPM बढ़ेगा और फाइनल में हम लास्ट में स्लिपिंग को कॉन्टैक्टर के माध्यम से शॉर्ट कर देंगे और जिससे हमारी मोटर फुल RPM पर रोटेट करेगी। स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का यूज़ करने का पीछे जो हमारा उद्देश्य है वह यह है कि स्लिपिंग इंडक्शन मोटर जो होती है वह हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कराती है, साथ ही जो हमारे स्टार्टिंग में जो मोटर करंट गेन करती है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हम करंट को रिड्यूस करेंगे तो हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा और हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाना हो या फिर क्रेन के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना हो तो हम आसानी से उसको उठा सकते हैं। इसकी हाई लोड कैपेसिटी की वजह से ही इसको हम इंडस्ट्री में बड़े बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने ड्राइंग के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है ये ड्राइंग आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। जितनी हमें स्पीड को एडजस्ट करना है उतना हम स्टेप का रेजिस्टेंस बॉक्स ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से पूछें ताकि मैं आपके किसी भी तरह के डाउट को क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।